वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 4 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए आपको HDFC बैंक के बारे में बताते हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसके MD और CEO है शशिधर जगदी संजय। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इस PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, फर्स्ट डिजिट है 1। एक और सूचना दे दूं आप लोग को, आज रात 8 बजे आप लोग वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सालिन डी कुमार जी को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के जजों के फेहरिस्त में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने सालिन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। सालिन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय बल्कि वह पहली एशियाई जो इस पद तक पहुंची हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सालिन डी कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। बात करें YSR बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों को समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चलिए आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री भीष्वा भूषण चंदन। कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंद्रलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। बात करें आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं अरुण कुमार गोस्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। समाज में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। यह दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवरी कर्मियों को भी धन्यवाद कहने का एक अनूठा अवसर है। बात करें इस दिन की शुरुआत 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सर डाक कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए अभिनंदन और सम्मानित करने के लिए की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिजिटल इंडिया अभियान की 6वीं वर्षगांठ हाल ही में कब मनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे बातचीत
की है। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए कि उनको कैसे डिजिटल तरीकों को अपनाने से उनका जीवन आसान हो गया है। बात करें डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा शुरू यानी कि लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं, आपको सेकंड डिजिट बता दें, सेकंड डिजिट आज का 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथहैम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। बात करें भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर, इस सूची में रोहित शर्मा छठे और ऋषभ पंत सातवें स्थान पर पहुँच गए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसको कोयम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को। उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को कोयम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पांडा के नाम को प्रोफेसर हम्पा नागराजिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। बात करें कोयम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, तो कोयम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि कोयम्पू की स्मृति में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नकद, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बात करें यह पुरस्कार 2013 में स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। बात करें नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार कानून अफस्पा के तहत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने वाले और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। चलिए आपको नागालैंड के बारे में बताते हैं। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यूरियो जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री आर एन रवि जी, कैपिटल कोहिमा, फर्स्ट सी एम पी सिलू ओ, फर्स्ट गवर्नर विष्णु सहाय जी, लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें गुवाहाटी हाईकोर्ट नागालैंड के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया जी। नेशनल पार्क है यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट इटांकी। मेन रिवर से ड्रॉइंग और डीकू। मेन फेस्टिवल सॉरी मेन डांस की बात करें तो बटरफ्लाई एंड मयूर। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नागालैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए डेली बनाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल जी को। वरिष्ठ आईपीएस अफसर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे। 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं। उनके वहां से रिलीव होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम देखेंगे। गोयल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ऑफिसर मुकुल गोयल जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एन वेणुधर रेड्डी ने। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने 30 जून को आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत एन वेणुधर रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पूर्व वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और डीएवीपी में अतिरिक्त डीजी के तौर पर सेवा दे चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एन वेणुधर रेड्डी जी। चलते हैं थर्ड डिजिट बता दें आपको, थर्ड डिजिट आज का 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर इलाहाबाद को प्रयागराज, बात करें मुगल सराय को दीन दयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम प्रसन्नन की। बात करें पूर्व भारतीय फुटबॉलर एम प्रसन्नन का निधन हो गया है। 1970 के एक दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर उन्होंने इंदर सिंह और दोराई स्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। वह संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले थे। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसने ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना नया ऐप शॉपसी लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट ने। बात करें फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना नया ऐप शॉपसी लॉन्च कर दिया है। यह ऐप बिना किसी निवेश के ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में व्यक्तियों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया। यह गैर महानगरों में ई कॉमर्स की पहुंच को भी गहरा करेगा। एक बार जब यूजर इस ऐप पर पंजीकरण कर लेंगे तो वे फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा पेश किए जाने वाले 15 करोड़ उत्पादों के कैटलॉग साझा करने में सक्षम होंगे। इसमें सौंदर्य, फैशन, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद होंगे। चलिए अब आपको फ्लिपकार्ट के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। फ्लिपकार्ट का स्थापना मतलब अक्टूबर 2007 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, चेयरमैन है सचिन बंसल जी, सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 66 यानी 66वां। बात करें देश के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मनाया है। SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो बाद में 1955 में इसी दिन भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। चलिए आपको SBI के बारे में बताते हैं। SBI का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिविजन करते हैं। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा जी बने हैं। बात करें सिवान, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निदेशक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जापानी शैली के जिन गार्डन और काइजन एकेडमी का शुभारंभ हाल ही में किया है। हाल ही में GST दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। GST, बात करें किस संस्थान ने यानी नीति आयोग ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया है। खेमलता वाकलू कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन प्लक्स नामक पुस्तक लिखी हैं। बात करें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। यह भारत में आयोजित होना था, लेकिन BCCI ने इसे UAE में कराने का निर्णय लिया है। बात करें RBI ने सहकारी बैंकों के बैंक श्रेणी के बैंकों के लिए आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल ही में रविशंकर प्रसाद, जो कि कानून मंत्री हैं, ITATE द्वारा लॉन्च किए हैं। बात करें हाल ही में फेसबुक ने नया पब्लिशिंग टूल बुलेटिन लॉन्च किया है। बात करें UNHRC संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था किस देश ने मॉडर्ना वैक्सीन के लाइसेंस को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अपना देश इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो भारत सरकार ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 1 ईयर यानी कि
एक साल के लिए। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? क्वेश्चन टू है आज का। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली शॉर्ट जीके जीएस और ट्रिकी वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, आज रात 8 बजे आप लोग हमारे वीकली करंट अफेयर्स वीडियो को ज़रूर देखें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, लाल डिजिट है आज का 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।